লাস্ট ইয়ারই একটা আমাদের ওলা ড্রাইভার, তারই 10,000 টাকা ছিল, তার 10,000 টাকা নিয়ে নিয়েছে। ওটিপি ও জানে না, অত অত যে বোঝে না, বিহারের লোক ছিল। ওটিপি শেয়ার করতে বলছে, বলছে আপকা পয়সা ঘুসে গা, আপ লাকি উইনার জিতে হো, ইসকে বাদ আপ আপনা ওটিপি দিজে। ও ওটিপি দিয়েছে, ব্যাস পুরো কার্ড থেকে টাকা নিয়ে নিয়েছে। রাত কে বাজে আবি, ও মাই গড, रात के बजे अभी देर। और जी हाँ, मैं अपने स्टूडियो पे हूँ जहाँ पे मैं काम करता हूँ, एज का काम। जी हाँ दोस्तों, कल वाले वीडियो के अंदर आप लोगों ने देख ही लिया कि क्या हुआ एक्चुअली मेरे साथ, किसका कॉल आया था, मैंने पुलिस स्टेशन में गया, उसके बाद वहाँ पे क्या प्रोसीजर हुआ नहीं हुआ, उसके बाद मेरे पास कॉल आया एक भैया का जिनके साथ भी ऐसा कुछ हो चुका है। और उसके बाद वो वीडियो मतलब अपलोड करने के बाद उसी दरमियान एक और, जी हाँ एक और लेडी का मुझे फोन आया था। उनके हिसाब से मतलब उनके थ्रू मुझे ये पता चला कि उनके फ्रेंड के साथ और उनके साथ भी ऐसा किया गया है। देखिए लॉकडाउन चल रहा है बाहर और नहीं जा सकते हम लोग बाहर, तो घर में रहते हुए भी हम लोग सुन सकते हैं उनसे एक्चुअली उनके साथ क्या बात हुआ था, उनको कैसे फ्रॉड की जगह पे उनको लेके गए, या वो जो गैंग थी वो गैंग ने कैसे क्या काम किया। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, सुनते हैं सोनिया की जुबानी। या सोनिया को इंट्रोड्यूस करने से पहले, सोनिया की जुबानी सुनने से पहले मैं उनका थोड़ा सा ब्रीफ देना चाहता हूँ। या सोनिया एक प्रोफेशनल डांसर है या बेली डांसर है, जो अपनी जो अदाकारी जो है वो देश के साथ साथ विदेशों में भी, जी हाँ बहुत बार ऐसा हुआ कि वो विदेशों में भी अपनी जो अदाकारी जो है उन्होंने दिखाया। सो लेट्स इंट्रोड्यूस सोनिया शील। जी हाँ, उनको मैं तो ऐसे दिखा नहीं पाऊंगा जैसे आप लोग मुझे देख रहे हो, उनका ऑडियो सुनते हैं और उनके साथ क्या हुआ वो वाकया भी सुनते हैं। क्यों? क्योंकि हम वो सुन के अपने आप को थोड़ा सा अवेयर और भी कर पाएंगे, जैसे कि ऐसा बंदा या फिर कोई और बंदा ना आए और हमको ठगे। क्राइम डिपार्टमेंट जो भी अपना काम करेगी, जितना मुझे करना था मैंने कर दिया। दोस्तों राइट नाउ मैं हूँ अभी आर्टिस्ट सोनिया के साथ, वो मेरे साथ में लाइन पे है। शी इज अ वेरी गुड प्रोफेशनल डांसर एंड हैवी चार्मिंग माइंड एंड हैज अ वेरी गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। तो सोनिया क्या हुआ आपके मतलब दोस्तों के साथ, ऐसा ही हुआ क्या? सेम ऐसा ही चीज हुआ, मतलब एक फोन कॉल आया रैंडम नंबर से, बोला मैं फ्लिपकार्ट से बोल रहा हूँ, आपका व्हाट्सएप चेक कीजिए, व्हाट्सएप में कॉल कर रहा हूँ, आपका मैं जी फोन पे का नंबर दीजिए, गूगल पे का नंबर दीजिए, मैं आपको पैसा भेजता हूँ। फिर वो 1 टका या फिर 1 रुपया या फिर 5 रुपया भेजने का बोला। फिर मेरा फ्रेंड बोला, क्यों 1 रुपया 5 रुपया क्यों भेज रहे हो? बोले हम लोगों को एक्चुअली आपको ऑफर मिला है, आपको गिफ्ट हैम्पर मिलेगा फ्री में, आप आपका जीपे नंबर दीजिए। तो वो बोला कि नहीं मैं ऐसा जीपे नंबर नहीं दे सकता। तो बोले नहीं आप प्लीज जीपे नंबर दीजिए, क्योंकि आपका ऑफर वाला वैलिड नहीं होगा। तब वो चालाकी करके ऑनलाइन फ्लिपकार्ट के जो एक्चुअल नंबर है जो दिया हुआ उसमें कॉल किया, उसने बोला कि सर हम लोग का ऐसा कोई ऑफर ही नहीं है, अभी कोई गिफ्ट हैम्पर या पैसा हम लोग किसी को नहीं दे रहे। तो वो जो भी है वो फ्रॉड कॉल था। फिर वापस फ्लिपकार्ट के अंदर वो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, आपको जो खरीदना है जाओ अपना पैसा खर्च करो खरीदो। हाँ, उसमें अगर देगा तो कंपनी तो दे ही देगा ना वो ऑफर, तो कंपनी दे ही देगा, किसी और दूसरे को देने का कोई जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली सोनिया यही चीज उन लोगों का, जब मेरे को कॉल आया था ना, ये लोग मेरे को बोला कि आपको काम करना है, पैसा देना पैसा देना है। अरे उसको क्या चाहिए? तो आज 26 में आपकी मतलब जो सिस्टर है उनकी शादी है और हम लोग जाएंगे शूट करने के लिए, कल मैं देखने जाएगा शायद कल या परसों, और जो फोटोग्राफी करवाना चाहता है वो तो उस बेसिस पे बात करेंगे ना। ये सेम टू सेम सोनिया, तुझे पता नहीं, ये सेम टू सेम ऐसा हुआ दमदम के अंदर, वहाँ पे एक फोटोग्राफर को 11,000 का चुना लगाने वाला था, उनके साथ मैं बात कर रहा था, बात करते करते उन्होंने पूरा ब्रीफ मुझे दिया, पूरा डिटेल्स मुझे दिया, उसके बाद मुझे पता चला कि ये गैंग बहुत बड़ा है। ये बहुत बड़ा अभी, हाँ अभी सेम चीज हो रहा है, स्पैम सब जगह हो रहा है एक्चुअली। ये जामतरा का जो था ना वो सही घटना के ऊपर, मतलब ये तो अभी वो एक्चुअली टू इंसिडेंट के ऊपर ही है। और ये सोनिया तू जानी है बांग्ला बोल दे। हाँ हाँ बोलो। एरा बांग्ला बोल गया नी, बांग्ला बोल रहे फोन ना कल के আমি থানা যাওয়ার আগে একটা মিস কল করলাম, আগের দিন যখন ফটটা হলো তখন ঝাললাম ফোনে, তারপরে ফোনটা কিছু করে তারপর অফ ছিল, ঠিক আছে। আর যে কিউআর কোডটা পাঠিয়েছিল কিউআর কোডটা রিলিজ করে দিয়েছে, মানে এই যে 5 টাকার কিউআর কোড, ঠিক আছে, ওই হোয়াটসঅ্যাপ থেকে যদি 2 মিনিটের মধ্যে যদি আমি তুই আমাকে পাঠাস, মানে হয় না যে অনলি মি আর ফুল মি, রিলিজ করে দিয়েছে। এবার ও তো মেল আইডি পাঠিয়েছে, মেল আইডি চেক রয়েছে, সেই দিনের জন্য নাম্বারটা অফ ছিল। তারপরের দিন গতকাল আমি ফোন করেছিলাম 7টার দিকে মিসড কল, ঠিক আছে, মিসড কল বোঝ ব্যাপারটা, মিসড কল করার পর যে বাংলা জানে কিনা, মালটা কল রাউট করছে, মালটা এখানেই থাকে কোথাও। কেন বলছি শোন, আজকে রাজস্থান থেকে একটা লোক যদি সে পাক্কা রাজস্থানি হয়, সে বাংলার বা বুঝবে না, বলতেও পারবে না, তার অ্যাকসেন্ট, তার যে কথা বলার যে অ্যাকসেন্ট, সে অ্যাকসেন্টই থাকবে না।
আমি ওকে ফোন করেছিলাম, ফোন করার পর ফোনটা কেটে দিয়েছি, নিজে থেকে কল ব্যাক করেছে। হ্যাঁ ভাইয়া কন বল রে, কে বিপুল বলছিস, প্রফুল বলছিস? হ্যাঁ বিপুল বলছি, প্রফুল বলছি, বলে কেটে কেটে দিল। मेरे पास काम है, मतलब मान ले आज तेरे को कोई कॉल किया कोई इवेंट कंपनी से, तेरे को बोला कि सुनिया मेरे पास काम है इस डेट का, मुझे पेमेंट से तेरे को सेंड करना है, तू मुझे अपना आईडी जो भी है दे दे। तू सोचेगी कि हाँ मैं कर लूं, क्योंकि लॉकडाउन में सभी के पास है ना, मतलब एक आम इंसान तो ऐसे ही सोचेगा, वो दे दिया एक बार देख लो, मतलब सभी को ना वो अपने अपने इंडिविजुअल प्लेटफॉर्म पे जाके पकड़ रहे हैं। ये आज आप हुए कल मैं भी हो सकती हूँ, यही बात है, सही ये बात है। लेकिन इसके लिए ताकि ना हो ये चीज को दोस्तों हम लोगों को आगे नहीं लेके जाना है और इन जैसे कमीने इंसानों को पकड़ना है। अगर सरकार नहीं काम करेगी तो हम लोग काम करेंगे सोनी, जितना हो सकते उतना करेंगे, बट करेंगे जितना वही है, जितना हो सकता है उतना करेंगे, बाकी लोग तो सुन रहे हैं ना। লাস্ট ইয়ার ই একটা আমাদের ওলা ড্রাইভার, তারই 10,000 টাকা ছিল, তার 10,000 টাকা নিয়েছে ওটিপি, ও জানে না অত অত যে বোঝে না, বিহারের লোক ছিল, ওটিপি শেয়ার করতে বলছে, বলছে আপকা পয়সা ঘুরতেগা, আপ লাকি উইনার জিতে হো, ইসকে বাদ আপ আপনা ওটিপি দিজে, ও ওটিপি দিয়েছে ভাই, পুরো কার্ড থেকে টাকা নিয়ে নিয়েছে, ও টাকা কায়া যারা লোহা লক করে বিক্রি করে তো কারেন্ট অ্যাকাউন্টে সবসময় 10,000 টাকা পড়ে আছে, সেকেন্ডে বেরিয়ে যাবে। जो भी है दोस्तों, आप लोगों ने सुना सोनिया की बात और जाएंगे कल या परसों सोनिया के घर पे, ये ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग था सोनिया के साथ। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है, सॉरी ऑडियो, ये ऑडियो है, ये ऑडियो अच्छा लग रहा है तो आप में बने रहे चैनल पे और हमारा उत्साह जो है और बढ़ाइए। और सोनिया आपको बहुत, मतलब तुझे इसमें तो आप लगता है फॉर ऑडियंस पर्पज, सोनिया मैं आपको बहुत 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 शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप आगे आके इस चीज को थोड़ा सा ऑडियंस को बताएं। ऑडियंस ही आप लोगों के लिए है कि दुनिया कुछ बोल दो क्या है आदेश के लिए। देखो मैं चाहती हूँ कि सब थोड़ा सतर्क रहे क्योंकि आजकल ये स्पैम बहुत ज्यादा हो रहा है एंड राज का बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसे ही इन लोगों को सामने आके इनको लॉ के हाथ में देना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि इनका चेहरा रिवील हो, कौन करते हैं ये सब, कि कुछ मेहनत करो, कुछ काम करो, सब अभी बैठे हुए हैं, सब घर में, सब गरीब, गरीबी है, सब जग सब कुछ कब कोई एक्चुअली भुगत रहा है ये सिचुएशन को, ये पैंडेमिक सिचुएशन को। पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी को फोन करके ऐसे उसको थेफ्ट करके, चोरी करके, ऐसे चोरी छुपे उसको बेवकूफ बना के उसका पैसा ले लोगे, ये बहुत ही गलत चीज़ है। राजदा थैंक यू, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड वेरी गुड आपने वीडियो बनाया, इससे लोगों की थोड़ा बहुत अवेयरनेस या अलर्ट हो जाएंगे लोग, आई होप सो। सो देखिए आप लोग, यही मुझे बोलना था ठीक है, और एक चीज मैं यहाँ पे एड ऑन करना चाहता हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो खत्म होने से पहले मैं एक चीज एड ऑन करना चाहता हूँ। देखिए मैं नहीं चाहता, देखिए लॉकडाउन चल रहा है, सबके पास पैसा कम है, पेट काट 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 के हम लोग अपना जो मतलब संसार जो है, अपना फैमिली जो है, हम लोग जो है अपना फैमिली जो है उसको चला रहे हैं। लेकिन इसी दरमियान अगर कुछ लोग अपना शैतानी दिमाग, जी हाँ शैतानी खोपी अगर चला के आपके बैंक अकाउंट से पैसा ले ले, उसके बाद आप मतलब अफसोस करने से ज़्यादा फायदा है ना, पहले थोड़ा अवेयरनेस जो है वो बिल्डअप किया जाए, जैसे कि कोई और आपको आके ना ठगे। सो यही मेरा उद्देश्य है, अगर मेरे उद्देश्य के साथ आपका उद्देश्य एकत्रित होता है तो मेरे साथ में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर लीजिए, और अगर आपके साथ ऐसा हुआ तो नीचे आप लोग कमेंट में बताइए और कैसे, और मतलब देखिए कमेंट क्यों करना है, अगर आपके साथ ऐसा हुआ, अगर आप बोल नहीं पा रहे हो, किसी को एक्सपोज कर नहीं पा रहे हो तो कमेंट में बताओ, अगर हो सकता है कि इसका अगर रियलिटी रहा तो जरूर आपकी बात जो है वो आगे ले आया जा सकता है, क्योंकि अभी के टाइम पे सोशल मीडिया का पावर है। किसी का बुरा मत चाहो लेकिन कोई अगर तुम्हारा बुरा करे तो उसे छोड़ो भी मत। सो जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मुलाकात होगी आने वाले वीडियोस के अंदर, एक्सपोज तो करके छोड़ूंगा और आप लोग मेरे साथ में रहिए। चलिए, सुशांत सिंह राजपूत का केस जो था वो इतना जनगण, मतलब मैंने भी
जस्टिस फॉर सुशांत के लिए मैंने भी हैशटैगिंग किया था। तो सुब्रमण्यम स्वामी जो है उन्होंने जो है ऑलरेडी जो वकील जो है वो अपॉइंट कर दिया और पूरे देश को बताया कि सुब्रमण्यम स्वामी क्या चीज है और वो कैसे कैसे इंसानों को कैसे कैसे करके बेनकाब करते हैं। तो अपनी जस्टिस के ऊपर थोड़ा सा विश्वास रखिए, आपकी भी क्षमता है। किसी बहुत बड़े इंसान ने मुझे कहा था, सिस्टम आप जो देख रहे हो वो बाहर नहीं है, अभी के टाइम पे सिस्टम, यू आर द सिस्टम। अगर आप सही हुए तो कोई आपको तोड़ नहीं सकता, झुका नहीं सकता। टिल देन फॉर दिस वीडियो, अगर आप लोगों को अच्छा लगा सब बने रहिए, मेरा मनोबल जो है वो और बढ़ाइए। थैंक यू, वंदे मातरम, जय हिंद, बाय बाय। मुलाकात होगी आने वाले वीडियोज के अंदर। मोस्ट प्रॉब्ली 2-3 दिन के अंदर सोनिया के घर पे जाने वाला हूँ और 26 का जो प्रोग्राम है वो कैसे करेंगे, क्योंकि घर में प्रोग्राम हो रहा है, जाऊँगा और देखूंगा, आपको उसका भी ब्रीफ दूंगा। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए साथ में बने रहिए। लव यू, अशफाक खैर, अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए, क्योंकि कोविड, आज एक डॉक्टर से बात हुई जो कि मेरे क्लाइंट है, उन्होंने मुझे ऐसा बोला कि पेट खराब हो तब भी कोविड हो सकता है, यू नेवर नो। और श्री अमिताभ बच्चन और उनके जो बेटे हैं दोनों कोविड पॉजिटिव है। जो भी है, जैसा भी है, अपना अपना जो है वो ख्याल रखिए। चलिए, बाय।